जितना हम सोचते हैं उतनी आसान नहीं है लाइफ। जिस तरीके से जीना चाहते हैं उस तरीके से कभी भी जी नहीं सकते हैं। जिस उड़ान को भरना चाहते हैं कभी भी उस उड़ान को भर नहीं सकते हैं। जिन ख्वाबों को जीना चाहते हैं कभी भी उन ख्वाबों को हम अचीव ही नहीं कर पाते हैं। जिस रास्तों पर चलना चाहते हैं कभी भी हम उन रास्तों पर चल नहीं पाते हैं। जिसके साथ रहना चाहते हैं उसके साथ रह नहीं सकते। जिसके साथ बात करना चाहते हैं उसके साथ बात नहीं कर सकते। और जिस खाने को खाना चाहते हैं उस खाने को खा नहीं सकते क्योंकि हेल्थ अलाउ नहीं करती। तो इन सभी रिस्ट्रिक्शन के साथ एक कंप्लीट ज़िंदगी बनती है जिसे कहते हैं कि ये है सांसें, ये है हमारी ज़िंदगी और ये है हमारी आत्मा। फिर भी इंसान इस ज़िंदगी को जीता है, तब तक जीता है जब तक वहाँ से एक बुलावा नहीं आता कि आजा अब तेरा समय हो गया है। कहते हैं माइंड सेट करना ना बहुत मुश्किल है और माइंड सेट को चेंज करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जो उन विचारों के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं कि नहीं ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं ट्यूसडे को अगर हम ऐसा खाएंगे तो ये चीज़ गलत है, नहीं शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं थर्सडे को पीला रंग ही पहनना है, नहीं मंगलवार को तो मैं पैसे किसी को दूंगा नहीं क्योंकि मेरा बिजनेस में लॉस हो सकता है, नहीं मैं संडे को ही पूजा के काम करूंगा, उसके अलावा मैं पूजा का काम करूंगा ही नहीं। तो बहुत से लोग हैं ऐसे रिजिड मेंटालिटी के साथ रहते हैं कि उनके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान चाहे ज़मीन आसमान कुछ भी हो जाए, वो अपने बातों को उसी पर ही रहते हैं, वो उनसे ना तस्से मस होते हैं, फिर भी जीवन संघर्षों के साथ जीते हैं। हाँ अगर एक पर्सन उन्होंने किसी की लाइफ में देख लिया कि ये तो यार 7 बजे खाना खा लेता है तभी ये इतना फिट है, तो थोड़ा बहुत वो कोशिश करते हैं चेंज करने की और 7 बजे खाना खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर उनको वापस से 9 बजे भूख लग जाती है तो वो कुछ ना कुछ खाते हैं। अरे देखो वो रामनिवास है ना, वो डेली योगा करता है यार, पार्क में जाता है कम से कम 1 घंटा तो वो स्वेटिंग निकालता है, अपने ऊपर काम करता है, कैलोरीज बर्न करता है, इसीलिए ना वो कितना फिट दिखता है, उसकी तो कोई रिंकल्स ही नहीं है। अरे आपने देखा है जो मीना है पार्लर में जाती है बहुत खुश रहती है, इसलिए देखो इसकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है और हमारी स्किन ऐसी लटकी हुई है, चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। तो इंसान क्या है, इंसान दूसरों को देखकर दूसरों की लाइफ स्टाइल को देखकर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है वो, और उस चेंज में वो ये भूल जाता है कि उसकी ओरिजिनलिटी भी कुछ चीज़ है, उसका अस्तित्व भी कुछ चीज़ है। सजने संवरने के लिए आते हैं समय, वो आते हैं जब सजना संवरना अच्छा लगता है, वो भी समय आता है जब हमें योगा करना अच्छा लगता है, जब हमें जिम जाना अच्छा लगता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब हमें कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने उन विचारों के साथ लड़ना जो हमें परेशान करते हैं कि ऐसे ही कर, तू यहीं रह, इसी कमरे में रह, यहीं बंद होके रह, बाहर मत जा, बाहर जाएगा तो देख तेरे को रास्तों में ना इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन मिलेगी कि तू परेशान हो जाएगा। ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी को किसी और के नज़रिए से जीने के बजाय अपने उन विचारों से फाइट करिए जो आपको परेशान करते हैं। 6 महीने पहले किसी को डिप्रेशन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिप्रेशन दोबारा नहीं हो सकता, डिप्रेशन भी हो सकता है, पैनिक अटैक भी हो सकता है और एंजाइटी भी हो सकती है। तो इसीलिए उन लोगों के साथ अपनी ट्यूनिंग बनाइए जिन लोगों के साथ बैठना उठना आपको अच्छा लगता है, जिनसे बातें करना आपको अच्छा लगता है, चाहे वो आपको बोरिंग ही क्यों ना समझे, पर कर डालिए, फ़ोन करिए, बातें करिए। और अगर फिर भी आपको कोई ऐसा नहीं मिलता दोस्त, तो स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी फियर इन सब को छोड़कर आप काउंसलिंग की सहायता ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपकी बातों को सुना जाएगा, आपको समझा जाएगा, आपके विचारों पर काम किया जाएगा, आपको एक सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पहले खुद से देखिए और अगर फिर भी आपको लगता है कि और समय देना है देखिए समय नहीं कोई बदलाव होता है तो काउंसलिंग भी ज़रूर ट्राई करिए। काउंसलिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और जब इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप सच में अपने उन विचारों के ऊपर काम करेंगे जो आपको परेशान करते हैं। तो शांति काउंसलिंग सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है और आप अपनी हर
मेंटल परेशानियों को, उन परेशानियों को जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, आपको किसी से बात नहीं करने देते हैं, आपको हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, आपको हमेशा एक फियर रहता है कि अब मेरे फ्यूचर में क्या होगा, या फिर अब मेरे साथ क्या होगा, कौन मेरे साथ क्या कर सकता है, निजात दिलाते हैं, प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाती है काउंसलिंग। तो एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।